आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपके लिए भी, आपके लिए। याद है बचपन में ये डबेश? बचपन की बातें याद दिलाकर मेरे जज्बातों से खेलने की कोशिश मत कर तू। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चले जा यहाँ से। सॉरी मानवी, तुमसे किया हुआ प्रॉमिस मुझे तोड़ना होगा। इस घर को, बीजी को मैंने सिर्फ तकलीफ दी है मानवी, और कुछ नहीं दिया है उन्हें। और मैं देख रहा हूँ मेरे आने के बाद यहाँ कितनी टेंशन बढ़ गई है। उस टेंशन को खत्म करने के लिए, इस घर की खुशियों के लिए, अपनी बीजी की खुशियों के लिए मुझे मुझे तुमसे किया हुआ वादा तोड़ना होगा मानवी। उन्हें मेरी इतनी बड़ी गलती माफ कर दी ना बेटे, प्लीज अपने पापा की इस गलती को भी माफ कर देना। पता नहीं कितनी देर और वेट करना पड़ेगा। घबरा मत मुन्ना, तुझे कुछ नहीं होगा। उन भाइयों को देखकर आपको भी अपने बचपन की याद आ गई। जैसे आप और पापा इतने क्लोज थे, एक को चोट लगती थी तो दूसरे को दर्द महसूस होता था। मेरा और भाई सर के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। चाचू, आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, पर कहते हैं ना, जो बात दिल में होती है वो आंखों में भी आ जाती है। और इस वक्त आपकी आंखों में पापा के लिए प्यार और वो फीलिंग्स साफ झलक रही है। चाचू, जब दिल में इतना प्यार है तो फिर लवों पे ना क्यों है? प्लीज चाचू, पापा को एक्सेप्ट कर लीजिए ना, फिर बीजी भी उन्हें गले से लगा लेंगे। अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है। चाचू, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज अपने दिल से वो कड़वाहट, वो पूरी यादें निकाल दीजिए ना। चाहता तो मैं भी वही हूँ मानवी। मैं ही जानता हूँ मैंने अपने भाई को कितना मिस किया है। कल जब उनको अपने सामने पाया तो मन किया कि अपने गले से लगा लूं, लेकिन पर क्या चाचू? बीजी की वजह से मैं रुक गया था बेटा। जब भैया घर को छोड़ के चले गए थे, मैंने देखा है कि बीजी को कितना वक्त लगा था अपने आंसुओं को समेटने में। और जब सब इस दर्दनाक वाक्य को भूल चुके थे, भैया वापस आ गए उन जख्मों को दोबारा कुरेदने के लिए। मैंने बीजी का दर्द देखा है मानवी। चाचू, क्या हम एक बार शांति से बैठकर बीजी को समझा नहीं सकते? आखिर पापा उनके बेटे हैं, आपको नहीं लगता बीजी को अपनी इज्जत छोड़ देनी चाहिए? कैसे छोड़ेगी, आखिर दादी किसकी है? पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने का वक्त है? अरे बीजी, मैं खेल नहीं रहा था, मैं तो आपके लिए चूड़ियों का बॉक्स बना रहा था, बस थोड़ी ही देर तैयार हो जाएगा, देखना कितना प्यारा बॉक्स बनाता हूँ। अच्छा शैतान, पकड़ा गया तो मुझे बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं बीजी, नहीं नहीं, बदमाश। इतने साल गुजर गए, जिंदगी घूम कर वहीं आ गई, पर ये बॉक्स मैं आज तक पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब जरूर पूरा करूंगा, अपनी बीजी के लिए जरूर पूरा करूंगा।
बड़े पापा, ये आप क्या बना रहे? बेटा चूड़ियों का बॉक्स बना रहा हूँ। लेकिन किसके लिए बना रहे बड़े पापा? बेटे परसों पहले ये डब्बा मैंने बनाना शुरू किया था, काम अधूरा रह गया था, लेकिन अब मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि अभी बॉक्स बना किसके लिए रहे। महेश, क्या हुआ महेश? क्या लगी तूने ना? नहीं बेटी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपके लिए बेटी, आपके लिए। याद है बचपन में ये महेश, बचपन की बातें याद दिलाकर मेरे जज्बातों से खेलने की कोशिश मत कर तू। महेश, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चले जा यहाँ से। थक गई हूँ तुझसे नफरत करते करते, थक गई हूँ, चले जा यहाँ से। हेलो। हाँ मान्य। तो विराट, पीछे अभी भी मान्य को तैयार नहीं हो रही है, क्या करूं? मेरे बस की जितना था ना मैंने सब करके देख लिया। विराट, तुम तब से हूँ हूँ किए जा रहे हो, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लगता है तुम्हारे ऊपर भी मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। मान्य अजीब हो यार, दुनिया की सारी पत्नियों को यही प्रॉब्लम है, उनके पति उनकी बात नहीं सुनते। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ तो मैं उसमें भी प्रॉब्लम। उप्स, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरा बेबी इतने प्यार से और इतनी शांति से मेरी बातें सुन रहा है। वैसे ठीक कहती है बड़ी बेटी, जैसे जीजू और दी की जोड़ी है ना बिल्कुल राम और सीता जैसे, वैसे तुम्हारी और मेरी जोड़ी भी ना उर्मिला और लक्ष्मण जैसी है। अब देखो, उर्मिला ने भी अपने पति को कर्म का रास्ता चुनने के लिए बोला था और मैंने भी तुम्हें काम के लिए सात समुंदर पार भेजा है ना, सिमिलैरिटी। मानवी, मुझे मायथों के बारे में ज्यादा पता नहीं, सो आई डोंट नो। क्या तुम्हें रामायण के बारे में नहीं पता? अरे कल को अपना बच्चा पैदा होगा, उसको क्या सिखाओगे, क्या संस्कार दोगे? ये कोई बात नहीं होती, जाओ जाओ अभी पूरी रामायण पढ़ो। अरे बाबा मानवी, रामायण कोई कॉमिक बुक थोड़ी ना है जो मैं एक घंटे में खत्म कर दूंगा यार। अरे तो एक दिन में पढ़ो, छोटा वर्जन मिल जाएगा, पर पढ़ो, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगी। ओहो बाबा, ओके ओके पढ़ूंगा, ओके बाय, लव यू। ओके बाय। अब यहाँ पर रामायण की बुक कहाँ से लाऊं? मानवी बोला पढ़ना तो पड़ेगा। अशोक जी, हाँ विराट। हाँ अशोक जी, मुझे एक रामायण की बुक चाहिए, कहीं से भी लाइए प्लीज। ओके। ये विराट भी ना यूरोप में रामायण पढ़ेगा, अजीब रॉक स्टार है। क्या देख रहे हो? आओ इधर। देख, यादें जितनी पुरानी होती है ना उतनी दिल के करीब होती है। तुझे पता है तेरे पापा है ना मेरी एक बात नहीं टालते थे, मैं जो कहूँ वो करता था, पर जिंदगी में एक गलती कर दी, बस वो हमसे दूर हो गया। मैं तेरे मन की बात समझ सकती हूँ बेटा, तू चाहती है ना कि मदन और तेरी बीजी तेरे पापा को गले लगा ले और माफ कर दे। चाचू तो कब से पापा से गले लगने के लिए बेकरार है, पर बीजी की जिद के आगे वो मजबूर है। सच कह रही हो बड़ी बीजी, मैं चाचू के साथ हॉस्पिटल गई थी ना तब वो ये सब बता रहे थे, देखिए ना कितनी गलत बात है। बीजी की जिद की वजह से दो भाई एक दूसरे से खुल के मिल नहीं पा रहे। मैं समझ सकती हूँ बेटा, और तेरे पापा और मदन की जोड़ी तो राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी है। बस घर में जो टेंशन चल रही है ये खत्म हो जाती तो और मजा आता, मुझसे सबके चेहरे पे तनाव नहीं देखा जाता। कल फैसला हो जाएगा कि महेश इस घर में रहता है कि नहीं। महेश,
पापा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाने, नहीं पापा, मैं बीजी से बात करूंगी ना कोई रास्ता ढूंढूंगी, मैं उन्हें समझा लूंगी। इनफ, इनफ मान, बस बहुत हो गया। बीजी से कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बीजी को इस तरह नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं वापस जाऊंगा। पापा, पापा ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी पापा, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। मानवी, I'm sorry मानवी, तुमसे किया हुआ प्रॉमिस मुझे तोड़ना होगा। इस घर को, बीजी को मैंने सिर्फ तकलीफ दी है मानवी, और कुछ नहीं दिया है उन्हें, और मैं देख रहा हूं मेरे आने के बाद यहां कितनी टेंशन बढ़ गई है। तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए, इस घर की खुशियों के लिए, अपनी बीजी की खुशियों के लिए मुझे मुझे तुमसे किया हुआ वादा तोड़ना होगा मानवी। उन्हें मेरी इतनी बड़ी गलती माफ कर दी ना बेटे, प्लीज अपने पापा की इस गलती को भी माफ कर देना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।